हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैथ गेट। आइए देखते हैं एक और अच्छा क्वेश्चन जो गेट 2019 इलेक्ट्रिकल ब्रांच में आया है। और ये क्वेश्चन है सिंपल लाइन इंटीग्रल का। द क्वेश्चन इज इफ f इज इक्वल्स टू 2x³ प्लस 3y² प्लस 4z, द वैल्यू ऑफ लाइन इंटीग्रल ग्रेडियंट ऑफ f डॉट डी आर इवेल्यूटेड ओवर कंटूर c फॉर्म बाय द सेगमेंट्स -3, -3, 2, 2, -3, 2, up to 2, 6, 2 and up to 2, 6, -1। मुझे बोला है एक सिंपल फंक्शन हमारे पास है f, और उस फंक्शन f के लिए हमें निकालना है ग्रेडियंट ऑफ f डॉट डी आर, राइट। ग्रेडियंट ऑफ f डॉट डी आर निकालना है, क्लोज इंटीग्रेशन में निकालना है, लाइन इंटीग्रल है, और ये लाइन सेगमेंट कहाँ से कहाँ तक वेरी कर रहा है, इस पॉइंट से इस पॉइंट तक, इस पॉइंट से इस पॉइंट तक, और इस पॉइंट से इस पॉइंट तक वेरी कर रहा है। तो सबसे पहले हम यहाँ से एक चीज़ सीखने वाले हैं। आप यहाँ से क्लियर देख सकते हैं, जब हम फर्स्ट पॉइंट की बात करेंगे, इस फर्स्ट पॉइंट में -3 से लेकर 2 तक वेरिएशन आ रहा है, लेकिन ये x एक्सिस में वेरिएशन आ रहा है, लेकिन y एक्सिस वाली वैल्यू एज इट इज़ है, z एक्सिस वाली वैल्यू भी एज इट इज़ है। तो इसका मतलब हम ये बोल सकते हैं कि इस सेगमेंट में, फर्स्ट वाले सेगमेंट में, सिर्फ और सिर्फ किस में चेंजेस आ रहा है, x में चेंजेस आ रहा है। तो इसका मतलब आप जब हम इंटीग्रेशन करेंगे तो फर्स्ट वाले में सिर्फ और सिर्फ x के रेस्पेक्ट में करेंगे। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? नाउ सेकेंड की बात करें, सेकेंड वाले में देखिए, अभी यहाँ x की जगह 2 है, इधर x की जगह 2 है, यहाँ y के प्लेस पे -3 है और यहाँ y के प्लेस पे 6 है। इसका मतलब इस वाले सेगमेंट में किस में चेंजेस आ रहा है, सिर्फ y एक्सिस में आ रहा है। तो यहाँ y की लिमिट पे चेंजेस आ रहा है, इसका मतलब यहाँ क्या वैल्यू चेंज हो रही है, -3 से लेकर 6 तक चेंजेस आ रहा है, बाकी x और z एज इट इज है। तो इसका मतलब इस वाले सेगमेंट में हम करेंगे विद रेस्पेक्ट टू y करेंगे। फर्स्ट सेगमेंट हो जाएगा इंटीग्रेशन विद रेस्पेक्ट टू x, सेकेंड हो जाएगा विद इंटीग्रेशन विद रेस्पेक्ट टू y। नाउ सिमिलरली यहाँ हम आप देख सकते हैं कि थर्ड सेगमेंट में विद रेस्पेक्ट टू z होगा। अब z कैसे होगा देखते हैं। यहाँ x और y की वैल्यू सेम है, चेंजेस कहाँ आ रहे हैं, z में आ रहे हैं। तो z में कहां से कहां तक चेंजेस आ रहा है, 2 से लेकर -1 में चेंजेस आ रहा है। तो क्लियरली विजिबल है कि यहां पे हम क्या करने वाले हैं, इस थर्ड सेगमेंट में जब हम इंटीग्रेशन करेंगे किसके रेस्पेक्ट में करेंगे, z के रेस्पेक्ट में करेंगे। तो अब क्लियरिटी आ गई कि इस जो गिवन ग्रेडियंट है, आपको क्या करना है, पहले इस फंक्शन का ग्रेडियंट निकालना और फिर उसका लाइन इंटीग्रल करना है। अब लाइन इंटीग्रल किसके अलोंग करना है, पहले इस सेगमेंट के अलोंग करना है, फिर इस सेगमेंट के, और फिर इस सेगमेंट के अलोंग करना है। तो जब फर्स्ट सेगमेंट में जाएंगे तो x एक्सिस के रेस्पेक्ट में होगा, सेकंड वाले में जाएंगे तो y के लिए होगा, और थर्ड वाले में जाएंगे तो z के लिए हो जाएगा। ओके, नाउ अब सबसे पहले बात करते हैं निकालना, फाइंड आउट क्या करना है। सबसे पहले आपको फंक्शन f गिवन है और आपको फंक्शन f की वैल्यू है 2x³ प्लस 3y² प्लस 4z। इस फंक्शन के लिए आपको सबसे पहले ग्रेडियंट निकालना है, राइट। ग्रेडियंट निकालना है तो ग्रेडियंट निकालते हैं, ग्रेडियंट की वैल्यू आ जाने वाली है हमारे पास इसके लिए ग्रेडियंट ऑफ f। हम जानते हैं ग्रेडियंट मींस क्या होगा, डेल ऑपरेटर को किसी स्केलर पे अप्लाई कर दे तो वो ग्रेडियंट बन जाता है। तो ग्रेडियंट निकालेंगे तो यहाँ बन जाएगा i इंटू डेल बाय डेल x ऑफ जो मुझे गिवन है फंक्शन है उसका f, प्लस j इंटू डेल बाय डेल y ऑफ f, प्लस k इंटू डेल बाय डेल z ऑफ f, राइट। तो आप डायरेक्टली लिख सकते हैं हम वैल्यूज क्या हो जाएगी जब हम इसको अप्लाई कराएंगे, डेल बाय डेल x करेंगे f का, तो आपको मिलेगा कितना, 2x³ है तो आपको मिल जाएगा कितना स्टूडेंट, 6x² i, प्लस यहाँ मिल जाएगा 3y² है तो 3y² का मिल जाएगा 6yj, और प्लस 4z है तो यहाँ मिल जाएगा 4k। तो ये बन गया हमारे पास किसका, फंक्शन f का ग्रेडियंट। दिस इज द ग्रेडियंट ऑफ फंक्शन f। अब इस फंक्शन का जो ग्रेडियंट हमने निकाला है, इस ग्रेडियंट का लाइन इंटीग्रल निकालना है किसके रेस्पेक्ट में, इन सेगमेंट्स के रेस्पेक्ट में। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं क्लोज इंटीग्रेशन c ग्रेडियंट ऑफ f डॉट dr। तो ग्रेडियंट ऑफ f डॉट dr बनेगा हमेशा हमारे पास में, हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, वैल्यू आ रही है 6x² यहाँ बन जाएगा dx, फिर बनेगा 6y ये बन जाएगा dy, और फिर बनेगा 4 into dz। ये वैल्यू ग्रेडियंट ऑफ f डॉट dr ये कैसे लिखा है आप ये समझ सकते हैं। ग्रेडियंट ऑफ f तो आप हमारे पास जो वैल्यू है वो एज इट इज रहेगा ही। ग्रेडियंट ऑफ f डॉट dr, dr हम जानते हैं r वेक्टर, r पोजीशन वेक्टर होता है, r की वैल्यू होती है xi प्लस yj प्लस z की। हम जानते हैं r इज इक्वल टू होता है, या r वेक्टर इज इक्वल टू xi प्लस yj प्लस zk। तो जब इसके लिए dr निकालेंगे तो ये बनेगा dxi dy j कैप और dz k कैप, राइट। तो जब हम इस dr को इस पे अप्लाई कराएंगे ग्रेडियंट पे, तो
वाई डॉट आई रह जाएगा वन, मतलब डी एक्स रह जाएगा डायरेक्ट, तो यहाँ मैंने डी एक्स लिख दिया। फिर जे डॉट जे रह जाएगा वन, तो यहाँ रह जाएगा डी वाई, और फिर के डॉट के रह जाएगा वन, तो यहाँ रह जाएगा डी जेड। मतलब ये सेगमेंट हो गया एक्स एक्सिस के लिए, एक्स के रेस्पेक्ट में, यहाँ हो गया वाई के रेस्पेक्ट में, और यहाँ हो गया जेड के रेस्पेक्ट में, राइट। ये तो हुआ मेरा लाइन इंटीग्रल। अब ये लाइन इंटीग्रल को करना है तो आपको लिमिट्स लगानी पड़ेगी। जैसे लिमिट अप्लाई करेंगे ये क्लैरिटी आ जाएगी कि यहाँ फर्स्ट सेगमेंट में तो सिर्फ एक्स एक्सिस में चेंजेस आ रहा है, सेकंड सेगमेंट में वाई एक्सिस में आ रहा है, और थर्ड सेगमेंट में सिर्फ जेड एक्सिस में चेंजेस आ रहा है। तो लिमिट भी वैसे ही अप्लाई करेंगे तो लिमिट अप्लाई करने पे ये बन जाएगा, सबसे पहले एक्स की लिमिट अप्लाई कर देंगे तो ये बन जाएगा 6x² dx, ये फर्स्ट सेगमेंट के रेस्पेक्ट में होगा, प्लस 6y dy, ये सेकंड सेगमेंट के रेस्पेक्ट में होगा, और प्लस 4dz, ये थर्ड सेगमेंट के रेस्पेक्ट में हो जाएगा। नाउ फर्स्ट सेगमेंट की बात करें, फर्स्ट सेगमेंट में लिमिट कहाँ से कहाँ चेंजेस हो रहा है, चेंजेस हो रहा है -3 से 2 में, तो ये बन जाएगा -3 से 2। सेकेंड सेगमेंट में कहाँ चेंजेस हो रहा है, सेकेंड सेगमेंट में हो रहा है यहाँ हो रहा था -3 से 2, सेकेंड वाले में हो रहा है किस में, -3 से 6 में, तो ये बन जाएगा -3 से 6। और थर्ड वाले में किस में चेंजेस हो रहा है, 2 से लेकर -1 में, तो ये बन जाएगा 2 से लेकर -1 में इंटीग्रेशन, राइट। इंटीग्रेट करेंगे तो यहाँ बनने वाली वैल्यूज हमारे पास में क्या है स्टूडेंट, 6x², तो ये बन जाएगा 6x³/3, राइट। इसको 3 को बाहर ले लेते हैं तो 6/3x³, और लिमिट हो जाएगी हमारी -3 से 2, प्लस यहाँ हो जाएगा 6 और y² / 2, और ये लिमिट हो जाएगी हमारे पास कितनी, वापस -3 से 6, और लास्ट सेगमेंट है हमारे पास में 4, तो ये बन जाने वाला है 4z, z की लिमिट लगा देनी है आपको कहाँ से कहाँ तक, 2 से लेकर -1 तक, राइट। अब लिमिट्स अप्लाई कर देते हैं, सॉल्व करेंगे तो ये बन जाएगा आपके पास कितना 2, ये बन जाएगा आपके पास कितना 3, तो ये बन जाएगा स्टूडेंट्स कितना 2 × 2 का³ -3 का³, प्लस ये बन जाएगा 3 × 6² -3 का² और प्लस 4 × -1 और -2, राइट। तो ये वैल्यू जब हम सॉल्व करेंगे तो मिलने वाला है मुझे 2 × 2³ मतलब 8 -3 का³ मतलब माइनस माइनस प्लस, और ये 27 बन जाएगा, प्लस 3 × 6² 36, और यहाँ बन जाएगा -9, प्लस 4 × 3 दैट इज़ मैं डायरेक्ट लिख देती हूँ, उसको कितना हो जाएगा -12 हो जाएगा। तो आफ्टर सॉल्विंग दिस जब हम इसको सॉल्व करेंगे 27 प्लस 8 × 2 प्लस 3 × 36 -9, तो यहाँ मुझे मिलेगा स्टूडेंट्स कितना, ये मिल जाएगा 27 प्लस 8 कितना 35, 35 × 2 = 70 प्लस 36 -9 27, 27 × 3 = 81 और प्लस -12, तो आफ्टर सॉल्विंग दिस मुझे मिलने वाला है अल्टीमेटली कितना 139। तो इस क्वेश्चन का आंसर कितना आने वाला है, इस क्वेश्चन का आंसर हमारे पास आने वाला है 139। ये एक लाइन इंटीग्रल निकालना था, लाइन इंटीग्रल, लेकिन दो चीज़ें एक साथ दे दी, ये सिंपल इंटीग्रेशन का क्वेश्चन है, लाइन इंटीग्रेशन का क्वेश्चन है, लेकिन लाइन इंटीग्रेशन में भी क्या निकालना है, पहले ग्रेडियंट निकाल के फिर लाइन इंटीग्रेशन निकालना है, राइट। अब आप इसमें एक जो रिडंडेंट काम है वो नहीं कर सकते हैं क्या, कि आप कभी भी ऐसा नहीं करेंगे कि पहले इसका यहाँ से यहाँ तक पूरा कर दी, एक्स वाई और जेड के लिए कर दिया, फिर वापस एक्स वाई जेड के लिए करेंगे, फिर वापस एक्स वाई जेड के लिए इंटीग्रेशन करेंगे, नहीं। हम यहाँ से क्लियर देख सकते हैं कि ये जो चारों सेगमेंट्स हैं इनमें से जो फर्स्ट वाले सेगमेंट में, फर्स्ट और सेकंड में चेंजेस आ रहा है एक्स एक्सिस के रेस्पेक्ट में, सेकंड और थर्ड में आ रहा है वाई एक्सिस के रेस्पेक्ट में, और थर्ड और फोर्थ में आ रहा है जेड एक्सिस के रेस्पेक्ट में। तो इसको मैंने दे दिया फर्स्ट सेगमेंट, ये हो गया सेकंड, और ये हो गया थर्ड सेगमेंट, यहाँ मैंने एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन कर दिया। और डायरेक्ट लाइन इंटीग्रेशन करना है, सिंपल इंटीग्रेशन करना है, एक बार इंटीग्रेशन करना है, ओनली वन टाइम इंटीग्रेशन होगा, और आफ्टर सॉल्विंग दिस लिमिट पुट करने के बाद हमारे पास आंसर आ जाएगा कितना 139। तो दिस इज अ गुड क्वेश्चन, बहुत अच्छा और सिंपल सा क्वेश्चन है, लेकिन यहाँ पे कॉन्सेप्ट भी आपका स्ट्रांग होना चाहिए, लाइन इंटीग्रेशन कैसे करना है और ग्रेडियंट कैसे निकालना है। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।